फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल मार्वल में। दोस्तों, आज जो है भाई आपको मैं बाथरूम मैंने एक तैयार किया है, टाइल लगाई है, तो जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई जो मैंने टाइल लगाई है बाथरूम में तो सही लगी है या नहीं लगी है और किस तरह का लग रहा है, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई हम बाथरूम में एंट्री कर रहे हैं। इसका सबसे पहले तो मैं आपको साइज बता दूँगा। इसकी चौड़ाई जो है 4 फिट है और इसकी लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा है, 11 फीट जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, 11 फीट भाई इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई की बात करें 4 फीट। ये देखिए भाई, यहाँ पर जो है शावर का एरिया है, यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है, 7-7 इंच की पट्टी डाल दी है यहाँ पर। और एक ये जो है शावर के एरिया में हमने डिजाइनिंग वाली टाइल डाली है, देख सकते हैं आप, जो कि कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर शावर आएगा और यहाँ पर जो है वैनिटी आएगी, ये देखिए वैनिटी के पॉइंट रखे हुए हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर एक इंडियन सीट है, जो कि आप देख सकते हैं, ये इंडियन सीट जो है तकरीबन 8 इंची इसका लेवल जो है अप है, 8 इंची लेवल इसका ऊंचा है। और यहाँ पर जो हमने मतलब ये बाथरूम में जो टाइल लगाई है, सारी टाइल 32x64 की है। ठीक है, अंधेरा हो गया गाइस, तो इसलिए जो है क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी में दिक्कत आ रही है, अंधेरा सा हो गया क्योंकि सूरज जो है छिप चुका है। यहाँ पर देखेंगे गाइस, एक टाइल हमने यहाँ पर डाल दी है डिजाइनिंग वाली, और इसमें 2 गेट हैं, एक तो ये वाला गेट आ गया और एक गेट ये है, 2 गेट हैं गाइस। ये इसकी थोड़ी सी बस चौड़ाई मुझे कम लगी, लंबाई बहुत ज़्यादा है, 11 फीट जो है इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप। तो गाइस, आप लोगों को ये बाथरूम किस तरह का लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई मुझे तो इसकी थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा लगी, चौड़ाई बहुत कम है, क्योंकि 4 फीट चौड़ाई बहुत कम है लंबाई के हिसाब से। देखिए गाइस, तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो है बाथरूम किस तरह का लगा। उसके बाद ये देख सकते हैं भाई, लकड़ी का काम चल रहा है यहाँ पर, चौखट वगैरह यहाँ पर फिट हो चुकी हैं, देख सकते हैं भाई चौखट जो है यहाँ पर, जो चौखट जो यूज़ की है 10 इंची चौखट है सब। और हमने ये 32x64 की टाइल लगाई है सतवारियों में। एक ये गाइस ये किचन आ गई, यहाँ पे ये किचन है। ठीक है, एक किचन ये है और यहाँ पर भी देखें, ये है भाई रूम की एंट्री, यहाँ पर गेट है। तकरीबन काम यहाँ पर अभी सारा पेंडिंग है, लकड़ी वगैरह का काम चल रहा है और एक ये बाथरूम है, तो इसको हम अगले नेक्स्ट दिन आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है गाइस, तो इसलिए आपसे मैं सॉरी कहना चाहूँगा। और आपको हमारे जो वर्कर हैं नीचे लगे हुए हैं, हमारे मिस्त्री लोग, काम चल रहा है, आपको मैं दिखा। एक तो गाइस सीढ़ी ये है नीचे उतरने की, और एक सीढ़ी और है। ये भाई हमारा आ गया ओपन एरिया सारा, यहाँ पर जो हमने टाइल लगाई है फुल बॉडी टाइल है। ठीक है भाई, फुल बॉडी टाइल चेक में है, 2x2 की, बहुत ही मजबूत टाइल होती है, टेम्परेचर झेल सकती है, 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर भी झेल सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम चलते हैं अब नीचे। देखिए गाइस, अभी हमारा जो है सीढ़ी का भी काम गाइस पेंडिंग है, और ये देखिए अभी तकरीबन गेट वगैरह यहाँ पे लगने वाले हैं, गेट वगैरह भी पेंडिंग है। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। देखिए भाई, हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई जो हमारा काम कहाँ तक पहुँच चुका है। तो अंधेरा है भाई नीचे, मेरे को लग रहा है कि भाई दिख नहीं पाएगा, तो जितना भी हो सकेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। कि ये भाई हमारी किचन आ गई गाइस, यहाँ पर भी टाइल जो लगाई है 6x4 की टाइल लगी हुई है, और ये तकरीबन गेट वगैरह हैं जो कि तैयार हैं। और ये भाई किचन आ गई, ये है देख सकते हैं आप, ये भी तकरीबन तैयार है, बस फिटिंग करने वाले हैं। और ये विनियर आ गया, ये देखें अब हम, ये भाई मिस्त्री लोग, हमारी मशीन रखी हुई है और भाई काम चल रहा है, ये देखें, बाप रे बाप। यहाँ पर देखिए मिस्त्री हमारे लगे हुए हैं, और ये ओपन एरिया है, तो जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है खूब धकाधक। 32x64 का जो है इसका साइज है, ट्राइबिटिनो ये टाइल है, जो कि
इस समय बॉल पर लग रही है। यहाँ पर हम एडहेसिव यूज कर रहे हैं रॉफ T08 पिटी लाइट वाइट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है इस एडहेसिव में हमें। देखिए भाई, हमने एक पीस तो यहाँ पर लगा दिया है, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस जारी है। देखिए यहाँ पर जो है तीन टंकी के पॉइंट दिए हैं जो कि ऑलरेडी हमारे मिस्त्रियों ने काट रखे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये बिजली का बोर्ड आ गया और ये है पप्पू भाई, ये पप्पू है, देख लो इसका नाम है पप्पू है, गलत मत समझना भाई। देखिए भाई, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है क्योंकि अंधेरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और बाथरूम मेरे जो है रेडी है आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर मेरी छोटी सी जानकारी आपको किस तरह की लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भाई आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे को पता लग जाए कि भाई आप मतलब किस चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी हो, मार्बल से टाइल हो, मार्बल हो, स्टोन हो, एलिवेशन हो, कुछ भी हो गाइस, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप टाइल वगैरह लगवाना चाहते हो या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए या कोई टाइल वगैरह का प्राइस पूछना है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, जब मर्जी कमेंट करो, खुली छूट है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही बहुत है।